कनेरी केव्स जाने के लिए बस में तो जगह मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहाँ पे बस से जाने पे 10 रुपये लगते हैं, प्राइवेट टैक्सी से जाने पे 50 रुपीज़ लगते हैं, 50 रुपये। तो मैं भी किसी ऐसे ही टैक्सी वाले से बात करके इसी से निकलता हूँ। अभी मैं पहुंच चुका हूं कनेरी केव्स की, जहां से एंट्री होती है, टिकट मिलता है वहां पे। तो भूख लगी है, सोचा उससे पहले थोड़ा सा कुछ खा लूं। बट ये जो सामने रखे हैं कप में तरबूज, ये 20 रुपये का एक है, और इसमें बड़ा अमरूद 50 रुपये का है, छोटा अमरूद 30 रुपये का है। ये जो चने रखे थोड़े से कटोरी में, ये भी 20 रुपये का एक है। बड़ी महंगाई है यहाँ खाने के आइटम्स की, क्योंकि टूरिस्ट पैलेस है तो इसी जगह पर इतना ही होता है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, मेन कैंपस से तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर है कान्हेरी बौद्ध केव्स। कान्हेरी बौद्ध केव्स का क्या इतिहास है, कब बनी, किसने बनवाई, ये सब इस बोर्ड पे पूरा लिखा है। बेसिकली इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊं तो बोरीवली में ये राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी भाग में है कान्हेरी गुफाएं, और ये सबसे बड़े बौद्ध गुफा समूह में से एक है। जो कान्हेरी नाम है ये, इसकी उत्पत्ति प्राकृत भाषा में जो शब्द है कान्हा गिरी उससे हुई है, उसका मतलब होता है काला। और बहुत सारे विदेशी जो यात्री भारत आए, उन्होंने अलग अलग समय काल में अलग अलग जगहों का दौरा किया, उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों में उल्लेख किया, तो कान्हेरी केव्स का भी बहुत सारे अलग अलग विदेशी तीर्थयात्री जो भी आए थे, क्योंकि पहले बौद्धिस्ट जो मजहब था, धर्म था, ये इंडिया में फ्लारिश करता था, तो इससे इंस्पायर होकर बहुत सारे विदेशी लोग खासकर चाइना से और मंगोलिया से यहाँ पे आए बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने। तो उस वक्त उन्होंने जो कुछ यहाँ लिखा पढ़ा उसमें इसका भी जिक्र अच्छे से किया जाता है। ये ऊपर को जाती हुई सीढ़ियाँ आपको लेके जाएंगी कान्हेरी केव्स के मेन कैंपस में, ऊपर ही टिकट मिलता है। तो आइए ऊपर ही चल के देखते क्या कुछ यहाँ के नज़ारे हैं। बंदरों से सावधान, ये आपका कोई भी कीमती सामान या खाने पीने की चीज़ें आपसे छीन सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया हुआ है सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, और वो जो भी यहाँ पे मरम्मत का या किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है तो उसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन स्पॉन्सर करता है। ये सामने टिकट बुकिंग काउंटर है, सबसे पहले जो भी बेसिक गाइडलाइंस हैं वो यहाँ से पढ़ लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट लेना है। टिकट मैंने ले लिया है, और यहाँ पे टिकट एक आदमी का लगता है 25 रुपीज़ का। 25 रुपये का टिकट लेना है, उसके बाद यहाँ उसको चेक कराना है के पास टिकट है कि नहीं। अभी रिसेंटली G20 का समिट हुआ है मुंबई में, तो उसके लिए जो डेलीगेशंस दुनिया भर से आए थे उनको भी यहाँ घुमाया था। ये इंटरप्रिटेशन सेंटर है, उसका एक मल्टीपल हॉल है। ये पीछे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही कान्हेरी केव्स का एक सीरीज है, ग्रुप ऑफ केव्स यहाँ पे है। तो ये पहली से और 10वीं BCE के ड्यूरेशन में बनी थी।
ये गुफाएं बेसाल्ट चट्टानों को काट करके, बेसाल्टिक रॉक्स को काट के बनाई गई थी। ये गुफा नंबर एक है। ये गुफा नंबर एक के बारे में है सारी चीजें। ये क्या कुछ है इसमें, कितने बरामदे हैं, कितने खंभे हैं, सारी चीजें इस पे लिखी हुई है। ये थी पीछे गुफा नंबर एक। अभी दूसरी जो बाकी गुफाएं हैं उनको भी एक्सप्लोर करते हैं, उनमें क्या कुछ है पीछे। ये गुफा नंबर दो है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ केव्स हैं, बहुत सारी गुफाएं यहाँ पे हैं। तो इस ग्रुप में टोटल मिला के कितनी गुफाएं हैं वो भी सारी मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला हूँ, देखूंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को भी। ये सारी मैन मेड केव्स हैं, सब इंसानों ने हाथों से छीनी हथौड़ों से काट के बनाए थे। और उस वक्त में तो टेक्नोलॉजी भी उतना डेवलप नहीं थी, सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पे रहते थे। ये गुफाएं पहली BCE से और 9 BCE के बीच में बनाई गई थी, सारी गुफाएं एक साथ नहीं बनी है। ये जो गड्ढे टाइप के बने हुए हैं बाथिंग पूल जैसे, ये उस वक्त पानी का स्टोरेज करने के लिए इस्तेमाल होते थे। यहाँ पे पानी भर के और उसका वो अपनी बेसिक नीड्स जो होती डेली यूज बेसिस पे उनका फुलफिल करते थे। ये एक स्तूप है और इसके बारे में लिखा है कि सर जेम्स बर्ड ने इसको सबसे पहले खोजा था। इसमें दो छोटे तांबे के बर्तन मिले, अभी लेख उसमें से भी कुछ मिले हैं, चांदी के पात्र में कोई राख मिली है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ठीक सामने एक बड़ी सी गुफा है, इसमें दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बौद्ध धर्म के कुछ चिन्ह बने हुए हैं।
इस तरफ गुफा नंबर 5 से 109 तक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी ये कैव सीरीज है। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैव्स यहाँ पे हैं, बहुत हाइट पे सारी कैव्स हैं। कमाल की बात यह है, इन सारी के सारी सीढ़ियों को, गुफाओं को हाथों से काट के बनाया। उस वक्त में कोई मशीन का कोई दौर नहीं था और बहुत ज्यादा डेवलप्ड टूल्स भी नहीं थे। बहुत ऊंचाई पे है भाई, इन पूरी पहाड़ियों में गुफाएं हैं। हाँ बस हो गया, उसके आगे जाएगा। अच्छा गाइस, आज मैंने एक्सप्लोर किया संजय गांधी नेशनल बायोडाइवर्सिटी पार्क, और उसी के कैंपस में है कान्हेरी केव्स। कान्हेरी केव्स की बहुत एक सीरीज है, बहुत सारी इसमें गुफाएं शामिल हैं। ये सब मैंने देखी और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, बहुत ही मिनट टू मिनट डिटेल्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आज का व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।